राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए शायद ही किसी को मालूम हो। जी हाँ, राजनीति में शायद वफादारी, ईमानदारी और समर्पण भावना जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ राजनीति ही तो करनी होती है नेताओं को। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेलो पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे और पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को धोखा देकर बीच मैदान से चुनाव छोड़कर भागने वाले प्रत्याशी महावीर गोलिया जेजेपी में शामिल हो गए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कल तक जो नेताजी जेजेपी को खूब कोसा करते थे, यहाँ तक कहते थे कि लुटेरों ने इनेलो पार्टी को लूट लिया, लेकिन आज महावीर गोलिया को जेजेपी अचानक से अच्छी लगने लगी, इसलिए उसमें शामिल हो गई। कुछ देर के लिए नेताजी को माइक मिला तो इशारों में अभय सिंह चौटाला को जितना कोस सकते थे कोसने लगे। चेहरे को गौर से देखिएगा तो लगेगा कि कुछ मायूस भी है, क्योंकि अब बार बार पगड़ी का रंग बदलेगा तो चेहरे की हवाइयां उड़ना लाजमी है। जनाब, आइए आपको दिखाते हैं महावीर गोलिया को थोड़ी देर के लिए जो माइक मिला तो उन्होंने क्या कहा। बहुत ही मानव सम्मान के प्रतीक, युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भाई दिग्विजय सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय निशान सिंह जी, जिला के प्रधान भाई राकेश जाखड़ जी और भाई सारी चौधरी देवीलाल की सेना के सिपाही, जितने साथी, मातृ शक्ति, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, समय का अभाव है, मौसम खराब हो रहा है। मैं तो एक मिनट में सारी अपनी बात कह दूंगा, क्योंकि हम और आप सारे एक परिवार से संबंध रखे। 1977 में मैंने जननायक चौधरी देवीलाल की उंगली पकड़ी थी। एक नारा मैं पहले जरूर लगाऊंगा, कई दिन हो गए नारा लगाए भाई। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। साथियों, कई रोज से थोड़ा सा तकलीफ में भी था और मैं कई रोज से इस प्रयास में भी था कि आज जननायक चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है। मैंने मन बना लिया था तो उस दिन जो है, देखो मेरा प्रयास था, जो एक समय, एक डेढ़ साल जो समय गुजरा ना, मेरा अपना प्रयास रहा, क्योंकि मैं उस परिवार से संबंध रखता हूं, मेरा प्रयास था कि परिवार एक हो जाए। लेकिन भाई को ना मानने ना तो मेरे बस की बात नहीं। मैंने उस भाई को बहुत समझाया जो मेरे को तीसरा भाई मानता था उस परिवार में, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, उसके भगवान ने उसको सद्बुद्धि नहीं दी। ना तो मैंने एक ही बात कही थी कि गुरु जी, गो आने वाली रैली में जो हो रहा था ना, एक बन्यू कह ठीक, सभी वही मारा है भाई, जनता जिसको चाहेगी वही तो होगा भाई। मत थम होगी लगे बड़ा कोई ना थम में, अब महावीर गुड़िया के कर ले। बाबा चौधरी देवीलाल जी के सिपाही रहे हैं, जो आखिरी सांस तक चौधरी देवीलाल जी के सिपाही रहेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी जो भी, जो उनके आदेश थे, जो उनका सपना था, जिस तरीके से भाई दुष्यंत जी उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, भाई दिग्विजय जी जो है गांव गांव, शहर शहर जाकर के सभा करके जिले वाइज उसका कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस तरीके से अब 13 मार्च को डॉक्टर साहब का देखो जन्मदिन है, तो मैं तो आपसे एक ही विनती करना चाहूंगा भाई, समय कम है लेकिन जितना भी समय बाकी बच गया, आप सारे साथी प्रयास करके इस राणा के अंदर, मेरे ख्याल कार्यक्रम रखे है प्रधान जी, हाँ, तो सारे साथी इस राणा, कोई दूर नहीं, पानीपत के साथ इस राणा, सारे साथी उस दिन का समय निकाल करके, और डॉक्टर अजय सिंह के जो है जन्मदिन के ऊपर भाई, सारे साथी ज्यादा है ज्यादा भाई हाथ उठा करके आश्वासन दिले भाई, सारे साथी तन मन धन से साथ चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे अपने साथियों को ले जाने का। इन्हीं बातों के साथ पुणे में अपने साथियों का, अपने नेताओं का आभार प्रकट करना चाहूंगा। और भाई बात सुन लो रहे, मैंने तो वो सीखा है, मैं 16 साल हल्के का प्रधान रहा, कोई गाली भी बकता ना, जब भी मन में कोई बात नहीं यार, तू बक ले, गाली बकनी है, कुछ ना कुछ दे ही रहा है। एक के घर घर जाके आ रहे काफी साथी हैं, हमने एक साल में 2 बार जो है डोर टू डोर पूरा क्षेत्र करने का काम किया। तो जब भी हमारा कोई कार्यक्रम आता, जैसे 13 तारीख कार्यक्रम है, सारी टीम बना करके डोर टू डोर ला करके अपने नेता के लिए सब साथियों को ले जाएं। इन्हीं बातों के साथ आप सब साथियों का आभार प्रकट करना चाहूंगा, अपने नेताओं का आभार प्रकट करना चाहूंगा, मेरे अजीज दिग्विजय जी जो इतना बड़ा मुझे सम्मान दिया है, प्रदेश के अध्यक्ष निशान सिंह जी जो समय निकाल करके मेरे
छोटे से किसान के बेटे के ऊपर घर पे चाय पी है, मैं इनका दोनों का आभार प्रकट करना चाहूंगा और साथ ही भाई राकेश दाखड़ जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, उन्होंने एक मिनट मुझे बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।